एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। ये जो आपने छोटी सी क्लिप देखी, ये हिस्सा है फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर का जो रिलीज हुआ है। इस टीजर को रिलीज होने के साथ ही पूरी तरह से सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, हर जगह पर हंगामा शुरू हो चुका है। क्योंकि आपने इस क्लिप में भी देखा होगा, इस टीजर में भी देखा होगा कि किस तरह से कहा जा रहा है कि 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया गया, जबरदस्ती उन्हें ISIS में ढकेल दिया गया, उनका अगवा किया गया, ISIS के स्लेव्स में डाल दिया गया। ये सारी चीजें एकदम से सोशल मीडिया पर गर्म हो चुकी हैं। कुल मिलाकर देखने में एकदम बिल्कुल लग रहा है कि द केरला स्टोरी भी एक तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म है। यह जज आप भी कीजिएगा जब मैं आपको पूरी तरह से खुलासा करूंगा, सही आंकड़े दूंगा, क्योंकि फिल्म के मुताबिक 32,000 बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अमर उजाला में जो खबर छपी है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। द केरला स्टोरी, दक्षिण में आतंकवादियों की कारगुजारियों का खुलासा, फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर रिलीज, ये हेडलाइन थी। और उसके बाद आगे लिखा है कि देश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की कहानियों को कैमरा बद्ध करने की कोशिश की दूसरी कड़ी के रूप में बन रही फिल्म द केरल स्टोरी का टीजर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया। फिल्म में प्रलोभन, दबाव और भय दिखाकर अगवा की गई और बहला फुसला कर ले जाई गई ऐसी युवतियों की कहानी है जिन्हें आतंकवादी संगठनों ने अपना गुलाम बनाकर रख लिया। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इस कहानी पर महीनों तक शोध किया यानी रिसर्च किया और इस काम में उन्हें तमाम समाज सेवी संगठनों ने भी मदद की। ये देखिए, ये जो फिल्म के निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन गुप्ता, वो बाजाबता ये कह रहे हैं, ये जो अमर उजाला की खबरों के मुताबिक, मतलब उनका एक कोट, उनकी या बाइट या उनका बयान भी उन्होंने लिया है कि वो कह रहे हैं कि महीनों तक रिसर्च किया है और इस काम में, इस रिसर्च में बहुत सारी समाज सेवी संगठनों ने भी मदद की। यानी 32,000 हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है। फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल अमृत लाल शाह के मुताबिक ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी की कहानी है जो दर्शकों को अंदर तक जोड़ देगी। ये फिल्म केरल राज्य में कथित रूप से लापता हुई 32,000 महिलाओं के पीछे की घटनाओं का खुलासा करती है। विपुल का दावा है कि यह फिल्म केरल को झकझोर देने वाली घटनाओं की एक बहुत ही वास्तविक, निष्पक्ष और सच्ची कहानी है। यानी कि विपुल अमृत लाल शाह भी ये बता रहे हैं कि यह बिल्कुल निष्पक्ष और सच्ची कहानी है, जिसका खुलासा मैं आगे आपको आंकड़े के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आज तक की भी एक खबर का थोड़ा सा हवाला आपको दे दूं कि आज तक ने क्या छापा है। आज तक ने छापा है कि 32,000 लड़कियों का बदला धर्म बनाया ISIS आतंकी, टीजर पर उठे सवाल, स्टेट्स को बदनाम करने। देखिए, ये आज तक ने भी ये पूरी खबर को छापा है, लेकिन साथ में उन्होंने एक सवाल भी उठाया है जो एक सोशल एक्टिविस्ट ने उठाया है, उसको छापा है बाज़ाब्ता आज तक ने। चलो कुछ क्लरिफिकेशन दिया है, उन्होंने लिखा है कि एक सोशल एक्टिविस्ट ने वीडियो जारी कर फिल्म को सपोर्ट जताया, वहीं स्टेट्स को बदनाम करने की यानी केरला को बदनाम करने को लेकर सवाल किए हैं। एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर ने कहा है कि मैं केरल स्टोरी की टीम को बधाई देता हूँ, केरल भारत के सबसे बेस्ट स्टेट्स में से एक है, लेकिन हर राज्य की तरह यहां भी कई समस्याएं हैं, जैसे कट्टरता, 100 से ज्यादा लोगों का आतंकी संगठन को ज्वाइन करना, यह बहुत सीरियस इशू है। लेकिन यह कहना कि 32,000 लड़कियां भारत या स्टेट से मिसिंग हैं, पूरी तरह बढ़ाया चढ़ाया आंकड़ा है, यह झूठ है। ऐसे मसले पर इस तरह का झूठ बोलना गलत है। हमें ज़रूर इस धर्मांतरण के मामले पर एक कड़ा कानून लाना चाहिए, लेकिन इस तरह से झूठ का सहारा लेकर नहीं। ये जो एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये झूठ है। 100 लोगों की जो खबर आई थी कि वो उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया है, वो 100 का आंकड़ा था, लेकिन यहाँ 32,000, आप सोचिए कि 100 को अगर 200 किया जाए या 1,000 किया जाए तो भी एक बात सही है, लेकिन 100 को 32,000 में बदल देना, ये कहां तक, आपको नहीं लगता कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्योंकि आप देखिए, द कश्मीर फाइल्स भी जब आई थी तो उसका भी इसी तरह से कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया गया था और पूरी तरह से एक हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उस फिल्म को बहुत सफलता मिली थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हंगामा हो रहा है। देखिए, ये जो है, ये 2021 में भी ये खबर आई थी, लेकिन 100 लोगों का की खबर आई थी। देखिए, 100 मलयालीज ज्वाइंड ISIS, ऑल एक्सेप्ट 6 बॉर्न इनटू मुस्लिम कम्युनिटी, सेज CM विजयन। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, उन्होंने ये बात कही थी। और जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 100 लोगों ने ISIS ज्वाइन किया था।
अब सवाल ये उठता है कि द केरला स्टोरी में 32,000 का आंकड़ा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? अगर 32,000 लड़कियाँ एक देश से या एक राज्य से मिसिंग हैं तो फिर कहाँ है हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ? ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। कहाँ है हमारे देश का जो सिस्टम है या जो कानून है या जो पुलिस है या जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो सब कहाँ है? कहाँ सोई हुई थी? कहाँ है देश की सरकार जो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर इवन केरल की सरकार, के 32,000 लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, ISIS में चली जाती हैं और उनका पता तक नहीं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अमर उजाला में किस तरह से आंकड़े बताए गए हैं, फिर भी ये सवाल बहुत बड़ा है कि 32,000 लड़कियां गायब हो गई, मिसिंग हैं और उसकी कोई खबर नहीं है इस देश में, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को। अगर ऐसा है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह से एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और अब आप भी इस खबर को और इस आंकड़े को, 100 लोगों के बारे में तो खबर है जो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन 32,000 की कोई खबर नहीं है, इस आंकड़े को देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या आप इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं? क्या आप इस फिल्म को ऐसा मानते हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बनाई गई हो और उस दीवार को खड़ी करके पैसा कमाने के उद्देश्य से ये फिल्म को बनाई गई हो? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।